all pictures placed on the exhibition is against the sovereignty of the India, against the 130 crore people's president, prime minister of India, Narendra Modi ji, and all the sentiments of Hindus and particularly Hindu gods. So it is a highly condemnable. प्रधानमंत्री जी केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है बल्कि देश के 130 करोड़ लोग हैं उनके नेता हैं और सबसे बड़े लोकतंत्र भारत उसके प्रधानमंत्री हैं. इस प्रकार से पेंटिंग बनाना अपमान करना यह देश का अपमान है. देश में भूख है, बेकारी है, बेरोजगारी है. आप एक पेंटिंग जो है उसमें डिस्टॉर्शन उसको खबर ले घूम रहा है. इसमें हमें कुछ कहना नहीं. ये अफसोस है कि इतनी समस्याओं को छोड़ करके ऐसी चीज़ें हैं कि खबर लेने या खबर फैलाने का काम जो चला हुआ है वो यानी शर्मनाक है. नमस्कार, ताल ठोक के बहुत बहुत स्वागत आप सभी का. मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा और लगातार जैसे हमने की वादा किया था ग्राउंड जीरो से लगातार अब से जनता ठोकेगी ताल और आज बारी है शिरडी की जनता की. मैं एक बार चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ आप सभी अपना ही स्वागत कीजिए. देखिए कुर्सियां कम पड़ गई, इतनी बड़ी संख्या में शिरडी के लोग यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं. शिरडी आस्था की नगरी, शिरडी आध्यात्मिक नगरी, शिरडी साईं की बाबा की नगरी. और इसलिए हम ये सवाल के साथ शुरुआत करेंगे कि 2019 में किसको मिलेगा साईं का आशीर्वाद. यही हमारा आज मुख्य मुद्दा रहेगा. लेकिन बहस किस मुद्दे पर रहेगी वो मैं एक बार आपको जल्दी से बता देता हूं. बहस इस मुद्दे पर कि चेन्नई के, ध्यान से सुनिएगा आपके लिए भी जरूरी है समझना, चेन्नई के लॉयला कॉलेज में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर एक पेंटिंग प्रदर्शनी का आयोजन किया गया. लेकिन उस पेंटिंग प्रदर्शनी में किस तरह से मोदी विरोध, देश विरोध से आगे बढ़ते हुए हिंदू विरोध तक वहां पर पेंटिंग्स की प्रदर्शनी की गई. उस प्रदर्शनी में जिस तरह का चित्रण किया गया वो यकीन मानिए हिंदू विरोधी है, हिंदू देवी देवताओं का अपमान है, हिंदू प्रतीकों का अपमान है. उस पेंटिंग्स के जरिए हिंदू आस्था पर चोट पहुंचाने की कोशिश की गई. हालांकि वो पेंटिंग से उसमें हिंदू प्रतीकों का अपमान था, त्रिशूल का, तमाम चीजों का अपमान किया गया, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया. बीजेपी की तरफ से इस मामले का संज्ञान लिया गया. बीजेपी ने शिकायत की, एच राजा जो वहां के नेता है उन्होंने कहा कि ये हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए. लॉयला जो कॉलेज है, प्रशासन है, वो हरकत में है. उनकी तरफ से कहा गया कि हम इसकी कड़ी भर्त्सना करते और हमारा मकसद ये नहीं था. लेकिन हम सवाल दरअसल ये उठा रहे हैं कि हिंदू आस्था पर कुठाराघात या हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ आजकल एक फैशन बन गया है. हर कोई हिंदू आस्था, हिंदू देवी देवताओं, हिंदू प्रतीकों के साथ खिलवाड़ कर सकता है. ये बहुत आसान हो गया है. शायद पांच बड़े सवाल कौन से रहेंगे, इसी पर सवाल और इसी पर बहस. पांच बड़े सवाल जल्दी से. सवाल नंबर एक, हिंदुओं के खिलाफ साजिश से क्या 2019 में सत्ता. सवाल नंबर दो, हिंदुओं के अपमान पर 2019 का महागठबंधन. ये महागठबंधन इसलिए क्योंकि यहां पर हिंदू आस्था का अपमान हुआ, कोई विपक्ष का नेता सामने नहीं आ रहा है. यही अगर किसी और धर्म का अपमान होता तो फिर शायद लाइन लग जाती, विरोध प्रदर्शन होता. लेकिन अब सब मौनी बाबा बन गए, एक सन्नाटा सा पसर गया है, सबने चुप्पी धारण कर लिया क्योंकि हिंदू आस्था का अपमान हुआ यहां पर. सवाल नंबर तीन, सांप्रदायिकता का खौफ दिखाकर जीतेंगे 2019 का संग्राम. बार बार ये कम्युनल कार्ड के नाम पर डराया जाता है लोगों को, ये सांप्रदायिक सियासत है, लेकिन खुद सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश. सवाल नंबर चार, सबरीमाला से लॉयला तक बार बार हिंदुओं का अपमान क्यों. ये सीधा सा सवाल होगा, इतना फॉर ग्रांटेड ले रखा है क्या हिंदुओं को, बार बार हिंदू आस्था का अपमान, हिंदू आतंकी, हिंदू पाकिस्तानी, हिंदू तालिबानी और अब हिंदू देवी देवताओं का भी अपमान, हिंदू आस्था का, हिंदू प्रतीकों का अपमान. सवाल नंबर पांच,
हिंदुओं का लगातार अपमान, राहुल गांधी जनेऊ पहनकर चलाएंगे काम, चुप्पी क्यों है, इतना सन्नाटा क्यों है पॉलिटिकल क्लास के बीच, अगर हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो। बहस की शुरुआत करेंगे मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मैं एक बार जाऊंगा, शिरडी की जनता जोरदार तालियों के साथ स्वागत करे, संबित मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे साथ फादर दिनेश दास मेरे साथ जुड़ चुके हैं और मेरे साथ सुनील चोपड़ा भी जुड़ चुके हैं जो कि लेफ्ट के नेता, तीनों का बहुत बहुत स्वागत। यहाँ पर भी मेरे साथ एक बड़ा पैनल है, मेरे साथ सचिन तांबे हैं बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सचिन जी स्वागत आपका, मेरे साथ राव साहब खेखरे शिवसेना से हैं, मेरे साथ संदीप वर्पे एनसीपी से हैं और दत्तात्रेय कोते साहब है जो कि एमएनएस के नेता है, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले संबित मैं आप ही से शुरुआत कर रहा हूँ, सवाल ये, मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पर आने से पहले यहाँ के लोगों से भी बात की, गुस्सा है, लोग ये सवाल पूछते हैं संबित हिम्मत कैसे हो जाती है, आप तो हिंदूवादी पार्टी है ना सर, आपके होते हुए बीजेपी के होते हुए हिम्मत कैसे हो जाती है इन लोगों की हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ या अपमान करने की। संबित देखिए अमन भाई, पहले तो आप बहुत महत्वपूर्ण नगरी में हैं, बहुत पावन नगरी में हैं और दृश्य बड़ा ही विहंगम है। मैं आपके इस टेलीविजन चैनल के माध्यम से सिरडी की जनता को बहुत बहुत नमन करता हूं और जो आपने पहले कहा ना कि साई का आशीर्वाद 2019 में किसको मिलेगा, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जाको राखें साइयां मार सके ना कोई, चाहे कितना भी बड़ा महागठबंधन कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, साई का आशीर्वाद मोदी जी के ऊपर है। जहां तक आपने कहा कि एक हिंदू हित की पार्टी होने के बावजूद भी इतनी हिम्मत कैसी हुई, मैं तो बहुत ही बहुत तकलीफ के साथ कहता हूं कि हिंदू कोई धर्म तो है ही, मगर एक भावना है, एक जीवन है, इस मिट्टी का कणकण इससे रचा हुआ है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका मंगल हो, सबको सुख मिले, यही कामना हमारी है। जिस प्रकार का खिलवाड़ लॉयला कॉलेज ने हमारे प्रतीकों के साथ, हमारे देवी देवताओं के साथ उस आर्ट एग्जीबिशन में किया है, वो अपने आप में बहुत जघन्य है। भगवान शिव के त्रिशूल को जिस प्रकार से दिखाया गया है, मैं तो उसका वर्णन भी नहीं कर सकता हूं। भगवती दुर्गा को जिस प्रकार से दिखाया गया है, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता हूं, वो इतना निकृष्ट है। उसके बावजूद देखिए किस प्रकार से हम यहां डिबेट कर रहे हैं, बड़ा आश्चर्य का विषय है। और मैं यहां फादर भी बैठे हैं, मैं बोलना चाहूंगा, देखिए लॉयला एक मिशनरी कॉलेज है, मैं उसका सम्मान करता हूं, मगर अभी चंद दिनों पहले केरला में हमने देखा कि किस प्रकार से एक फादर, वो तो खैर लुधियाना के फादर थे, लुधियाना के फादर ने किस प्रकार से उनके ऊपर बलात्कार का आरोप लगा, चार ननों को, चार सिस्टर्स को सस्पेंड करने की बात की गई। हम में से किसी ने भी, किसी भी हिंदू संगठन ने, हिंदू संस्था ने, किसी भी हिंदू स्कूल ने जो हमारे मत के साथ चलता हो, उन्होंने किसी भी क्रिश्चियन प्रतीक के साथ इस प्रकार का भद्दा मजाक किया क्या? बिल्कुल नहीं किया। वो कानून का विषय है, कानून देखती है। मगर बार बार ये जो प्रयोजन किया जा रहा है कि हिंदू देवी देवताओं को टेकन फॉर ग्रांटेड लो, मैं बार बार कहता हूं यहां जनता बैठी हुई है, हिंदुओं को बांटो और देश को तोड़ो, इस प्रकार के विवेक के साथ, इस प्रकार के विवेकहीन मर्यादा के साथ ये विपक्ष के लोग काम करते हैं। और खासकर इन तमाम विपक्षी पार्टियों का एक ही मत है कि जाति के आधार पर हिंदुइज्म को बांट दो और उसके बाद दलित मुस्लिम, दलित अदर कॉम्बिनेशन, MY कॉम्बिनेशन या DM कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन के साथ राजनीति करो, हमें इससे बचना है। नहीं लेकिन संबित मेरे ख्याल से हैरत इस चीज को लेकर है कि ये जो पार्टियां हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो हिंदूवादी पार्टियां, उनका हिंदूवादी अवतार देखने को मिला, जनेऊधारी हमने, DNA ब्राह्मण जनेऊधारण, ये सब कुछ हमने देखा, उसके बावजूद ये चुप्पी क्यों धारण कर लेती हैं? यही अगर किसी और धर्म की बात होती तो यकीन मानिए आज सड़कों पर आंदोलन होता, लेकिन ये हिंदू धर्म की बात है इसलिए सबने चुप्पी धारण कर लिया, वोट बैंक को सूट नहीं करता है, हिंदू धर्म को फॉर ग्रांटेड ले लिया गया, यही ना फादर दिनेश दास, यही रीजन है कि हिंदू धर्म सहिष्णु है, टॉलरेंट है, उसको फॉर ग्रांटेड ले लिया गया मेरे ख्याल से। नहीं, पहले तो मैं सबको प्रणाम कहता हूं इस पावन नगरी में आप हैं, मगर ये कहना कि हिंदू धर्म को फॉर ग्रांटेड ले लिया गया है ये ठीक नहीं है। और टॉलरेंट की बात है तो सबसे ज्यादा अगर विश्व में अगर कहीं पर किसी धर्म को फॉर ग्रांटेड लिया जाता है तो मसीह धर्म है, क्रिश्चियनिटी है, जो किसी को कुछ कहती नहीं, कोई भी कुछ भी कह जाता है, कुछ भी सुन लेते हैं, सुनते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने एक ही संदेश दिया, शांति, और वही शांति का संदेश लेकर के हम सबके बीच में हैं। तो हम तो किसी के विषय में कुछ कहते नहीं। रही लॉयला कॉलेज की बात, किसने क्या पोस्टर लगाया है, क्या प्रदर्शनी लगाई है, हिंदू प्रतीकों का अपमान, देवी देवताओं का अपमान, ये शांति का संदेश था सर।
नहीं, ये किसने लगाई है, कैसे लगाई है, कौन है, ये जांच का विषय है और इसमें बिल्कुल स्पष्ट जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी किसी भी तरह से किसी की आहत करता है किसी की भावनाओं को वो गलत है। हम किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहते, ना किया ये तो ना कभी करेंगे। निष्पक्ष क्या सर, ये तो सामने सबूत है, साफ दिख रहा है। हाँ तो उनके खिलाफ होनी चाहिए सर, ये तो सामने दिख रहा है। नहीं अगर ये लग कैसे गए ये बताइए ना सर, साफ दिखाई दे रहा है उनके खिलाफ, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए, उनके खिलाफ और कॉलेज में आपके धर्म से रिलेटेड इस तरह का अपमान होता तब आप ये कहते? बिल्कुल मैं तब भी यही कहता, किसी और कॉलेज में किसी और इंस्टीट्यूशन में आपके धर्म से जुड़े लोगों का अगर अपमान होता उनके खिलाफ होनी चाहिए कार्रवाई। मैं तब भी यही कहता, तब भी मेरा यही स्टैंड होता जो आज है और जो अभी है। इस तरह की किसी भी बात के लिए मेरा स्टैंड हमेशा यही रहेगा। ठीक है, सुनील चोपड़ा मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेफ्ट के नेता सुनील चोपड़ा साहब, आप लोग तो वैसे एथिस्ट हैं, आस्था से आपको वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबरीमाला प्रकरण में हमने देख लिया, अब ये चीज भी आपको नॉर्मल लग रही होगी, हिंदू प्रतीकों का अपमान, हिंदू देवी देवताओं का अपमान, आपको तो वैसे फर्क नहीं पड़ता हिंदुओं की आस्था से, एथिस्ट हैं आप लोग। सुनील चोपड़ा, सवाल ये है, जैसे मेरे से पूर्व वक्ता ने कहा है कि इसको आप एक निष्पक्ष जांच के हिसाब से देखिए, कला जो होती है हम उसको एक पोस्टर की तरह नहीं देखते हैं, कई बार तस्वीर एक होती है उसके मायने कुछ और होते हैं, और जस्टिस कॉल की जो जजमेंट है साबित करना चाह रहे हैं सुनील चोपड़ा जी, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं पर उसको आपको पढ़ना चाहिए, तस्वीरें दिखाऊं सुनील चोपड़ा जी, हम तस्वीरें यकीन मानिए दिखा नहीं सकते, इतनी आपत्तिजनक है, कौन रोकता है, जिस तरह से त्रिशूल का और जिस तरह से हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया है, आप कह रहे हैं कि उसमें निष्पक्ष जांच हो, सवाल ये है निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और क्योंकि कला में और अटैक में अंतर है, अटैक एक आस्था पे हमला है, कला आस्था को जगाने के लिए होती है, तो मेरा ये कहना है सही तरीके अच्छा, से कला मानते हैं ना जो लोग, चलिए ठीक है, कला के ठीक है जानकारी सुनील चोपड़ा जी उनको कहना चाहिए, सुनील चोपड़ा जी कम से कम उन शब्दों का इस्तेमाल मत करिए, जजमेंट आप पढ़ लीजिए, आप लोगों का चेहरा सबको देखना चाहिए, कला के नाम पर हिंदू देवी के साथ आप हैशटैग मीटू लिख देंगे ये कला है, हिंदू देवी के साथ आप हैशटैग मीटू लिख देंगे ये कला है, त्रिशूल का अपमान करेंगे कला है, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करेंगे कला है, अभिव्यक्ति की आजादी होगी ये भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होगा, ये भी सुनील चोपड़ा जी कर रहे हैं, जो आप मेरे लिए डिस्क्राइब कर रहे हैं मैं एक कला समीक्षक की ओर से कह सकता हूँ कि उसकी गहरी जांच होनी चाहिए, और गहरी जांच हो और कला को कला माना जाए, मैं सर यही अगर किसी और धर्म से जुड़े किसी और धर्म विशेष का इस तरह से अपमान किया होता ना तो हम लोग भी खुलकर बोलते और पूरा देश खुलकर बोलता, ये क्योंकि हिंदू धर्म का है तो फिर जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, संबित कड़ी निंदा मेरे ख्याल से संबित, कला है भाई ये तो अभिव्यक्ति की आजादी है भाई, ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ये तो कला है जी जी संबित, कला है ना, ये तो आर्ट है, सारा आर्ट हिंदू देवी देवताओं के अपमान में ही चलता है। अमन भाई ये कला नहीं, ये काला धंधा है, जिस प्रकार से जानबूझ के ये सब किया जा रहा है हम इतने नासमझ नहीं है, और इतनी सिलेक्टिविज्म क्यों, चार्ली हेब्डो आपको याद है ना, जब चार्ली हेब्डो हुआ था उसको जस्टिफाई करने के लिए तमाम लोग खड़े थे यहां पे, बहुत सारे पत्रकार कह रहे थे हाँ बिल्कुल किसी भी कीमत पर कार्टून आप थोड़ी बना सकते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी जो है उसका एक हद होना चाहिए, अगर सीमा से पार जाके अभिव्यक्ति की आजादी किसी भी धार्मिक समूह को उसका उसके खिलाफ अभिव्यक्ति करेगी उसको हर्ट करेगी तो उसको मार देना भी जायज होता है, याद करिए चार्ली हेब्डो के समय बड़े बड़े पत्रकारों ने और कांग्रेस पार्टी के मणिशंकर अय्यर ने उसे जस्टिफाई किया था, और आज जिस प्रकार से त्रिशूल को, जिस प्रकार से भगवती दुर्गा मां को, जिस प्रकार से ओम का
अपमान किया गया है वो इतना अपमानजनक है कि यहाँ बोला तक नहीं जा सकता है। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, निष्पक्ष जांच, गहरी जांच, ये शब्द क्या होते हैं? आपके कॉलेज के प्रांगण में आपने एक आर्ट एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया, उस आर्ट एग्जीबिशन में आपने हिंदू धर्म का अपमान किया, संप्रदाय का अपमान किया, प्रतीकों का अपमान किया, देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया, एक पॉलिटिकल पार्टी का अपमान किया, ये कैसा कला है? ये इसकी निष्पक्ष जांच क्या होगी? मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों ने एक षड्यंत्रकारी रूप में एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से देश के एक भावना, देश के एक धर्म विशिष्ट के खिलाफ बिल्कुल अभियान छेड़ने का मन बना रखा है। और मैं पूछता हूं, यहां कांग्रेस के प्रवक्ता मौजूद है, चुप क्यों है राहुल गांधी? चुप क्यों है? आज असहिष्णुता, इनटॉलरेंस के ऊपर डिबेट क्यों नहीं हो रही है? ममता बनर्जी कह रही है कि लोकतंत्र खतरे में है क्योंकि आज लिंचिंग हो रहा है, आज असहिष्णुता का माहौल है। क्या ये असहिष्णुता का माहौल नहीं है? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं। ठीक है, मैं एक बार शिरडी में आ जाता हूँ। मेरे साथ कुछ खास मेहमान है, लेकिन सबसे पहले वरपे साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ, संदीप वरपे, क्योंकि आप कांग्रेस के सहयोगी हैं। मुझे एक चीज बताइए सर, ये हिंदू धर्म के अपमान के लिए भी महागठबंधन हो गया क्या? सबने मिलकर चुप्पी धारण कर लेनी है क्योंकि वोट बैंक खतरे में पड़ जाएगा? वरपे साहब, चुप्पी का सवाल ही नहीं है। कोई अगर हिंदू देवता की ये करता है तो जाहिर है सभी लोग उसकी निंदा करेंगे, लेकिन सवाल है कि आप यहाँ देहात में आए हैं, शिरडी साई बाबा की नगरी है जहाँ सबका मालिक एक सिखाया गया, तो हिंदू मुस्लिम ये हमारे सवाल ही नहीं। हम तो ये बोल रहे हैं कि इलेक्शन लोकसभा का नज़दीक आ रहा है, इसलिए आप पोलराइजेशन की ये राजनीति देश में चालू हो गई। अभी सामने जो भी है, जिस भी पार्टी का है, या किसान है, हमारे मसले साहब अलग है। हमारा किसान, 5,000 से ज़्यादा किसानों ने खुदकुशी की है। इधर जो प्याज हमारा मेन फसल है उसको रेट नहीं मिल रहा है, और आप हमारे सुनिए पोलराइजेशन, ये जो ये सवाल ही नहीं है, ये हमारे सामने का साहब अभी मसला भी नहीं है। मेरे हाथ में रुद्राक्ष की, मैं हिंदू हूँ, मैं रोज पूजा करता हूँ। दूसरे धर्म का अपमान होगा तो मसला होगा, हिंदू धर्म का अपमान होगा मसला ही नहीं है। निंदा ये क्या बात हुई सर? मसला ही नहीं माला है, मतलब होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन गुस्सा नहीं आता आपको? हमारे जो सवाल है, गुस्सा नहीं आता? हमारे जो सवाल है, कर्ज माफी का वायदा था, एमएसपी का वायदा था, बेरोजगारी मिटाने का वायदा था, ये सब चोट से सवाल आपके खत्म हो जाएंगे क्या? स्पर्श नहीं करेंगे, और आप चुनाव आते ही, ये तो बेकार के मुद्दे ना सर, बेकार का नहीं, बेकार के मुद्दे हैं। दिल्ली सरकार के, ये तो बेकार के मुद्दे हैं, सरकार के नाक के नीचे, ये तो बेकार के मुद्दे हैं। दिल्ली सरकार के नाक के नीचे संविधान, हिंदुओं का मुद्दा, सरकार के नाक के नीचे संविधान जलाया। समझ रहा हूँ आपकी मजबूरी, मैं समझ रहा हूँ मजबूरी नहीं, हमारे सन्नाटा है ना सर, चुप्पी जो है ना, हमारे सभी पार्टी के नेता बोलते हैं, बता रहा हूँ मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। मंदिर का मुद्दा कम्युनल, हिंदू धर्म का मुद्दा कम्युनल, हम चाहते हैं मंदिर बने, लेकिन आज आज चार 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 इलेक्शन हो गए, चार चार इलेक्शन हो गए। चलिए ठीक, वही आ रहा हूँ मैं आपके पास आऊंगा जी। मैंने तो निंदा की ना, ठीक, मैंने तो निंदा की, अगर कोई बात ना, ये तो बेकार का मुद्दा है ना सर, करता है तो हम लोग निंदा करते हैं, लेकिन हमारे जो मसले सचिन तांबे, हमारे किसानों के मसले, जी जी, उस पे आप ठीक है सचिन तांबे साहब, ये तो बेकार का मुद्दा है, इसमें क्या चर्चा करनी, हिंदुओं का मुद्दा है ना, बात ऐसी तो फॉर ग्रांटेड है। बात ऐसी है कि कांग्रेस के सभी लोगों को हिंदुओं की आस्था की बिल्कुल परवाह नहीं है, इसके कारण इस देश में उन्होंने हमेशा यही बात कही है कि हिंदुओं को तोड़ो और यहाँ पर सत्ता काबिज करो। इस जमाने में इस भारत देश की ये परंपरा है, इसकी आस्था का जो विषय है वो छोड़कर वो अलग विषयों को यहाँ पर डाइवर्ट करते रहते हैं, लेकिन मेरा उनसे ये कहना है कि इस देश में जो प्रमुख धर्म है वो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म पर जब जब आपत्ति आती है तो भारतीय जनता पार्टी उसके ऊपर सबसे पहले आवाज उठाती है। और कांग्रेस की जो बात मैं कहना चाहता हूँ, एनसीपी की बात कहना चाहता हूँ कि जब जब भी अन्य धर्म पर अगर कहीं पर भी कुछ भी छोटा सा मामला हो जाता है तो ये लोग पूरे रास्ते पे उतर जाते हैं हजारों की संख्या में। तो मेरा इनसे ये कहना है कि जब हिंदुओं पे अत्याचार होते हैं, हिंदुओं की बात होती तो उनके लिए छोटा बात रहता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आपके लिए भी होगा जरूरी, छोटा मामला, बेकार का मुद्दा, चर्चा आपके लिए भी गैर जरूरी, बेकार मामला है क्या राव साहब? आप तो शिवसेना शिवसैनिक है राव साहब, ये बेकार का मामला नहीं है। बहुत बढ़िया, बोलिए राव साहब। संदीप जी को मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि शिवसेना के पक्ष प्रमुख आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब अभी अयोध्या जाके आए हैं और वहां जाके बोले हैं कि मंदिर
यही बनेगा और तारीख भी यही बताएंगे, ये शिवसेना का मुद्दा है। और जब भी संदीप जी बता रहे हैं कि ये चुनावी मामला है, मेरे हिसाब से हर आदमी यहाँ पर हिंदू है, मतलब हर जात का हो, हमारी शिवसेना पार्टी है, मगर हर जात का आदमी हमारे साथ है, हमारे बराबर है। अगर किसी भी जात वाले पर कोई मतलब प्रॉब्लम आती है तो हम वहां जाके खड़े रहते हैं। एक चीज का जवाब दीजिएगा राव साहब, आप बीजेपी की आलोचना कर रहे हैं हाल के दिनों में सीटों को लेकर, जो भी आपकी रस्साकशी चल रही है। नहीं 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 नहीं, मैं बीजेपी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, बात बता रहा हूं। जी जी, आपके संजय राउत साहब ने राहुल गांधी को लेकर एक बयान दिया था कि विपक्ष का बेहतर नेता अगर कोई नजर आता है तो वो राहुल गांधी। मेरा सवाल ये, यही तो महागठबंधन है सर, जो हिंदू धर्म का अपमान करता है, और आप हिंदूवादी, कथित हिंदूवादी पार्टी, उन्हीं के पाले में जाने की सोच रहे हैं। कथित, उन्हीं का राहुल, कथित नहीं, तो कथित कभी नहीं बोलना तो है, उदारी राहुल गांधी, चुप, हम हिंदुत्ववादी है, आप बाला साहब को जानते हैं ना, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं सर, में सबसे ज्यादा हिंदुत्ववादी जो है वो शिवसेना है, इसलिए हिंदू विरोधियों के साथ हाथ मिला रहे हैं, बिल्कुल हाथ नहीं मिला रही है हम कभी हाथ। अब चलिए मैं आपको एक और उदाहरण दूंगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है राव साहब, एक और उदाहरण दूंगा, एक मिनट, ममता बनर्जी के लिए बंगाल की शेरनी शब्द का इस्तेमाल किया था सामना में, ठीक है, सामना में ममता बनर्जी के लिए बंगाल की शेरनी शब्द का इस्तेमाल किया गया था, उसी ममता बनर्जी ने हिंदुओं को तालिबानी कहा था, बताइए अब आप, जब ममता बनर्जी को ये कहा गया था, आप लोगों का गठबंधन, गठबंधन नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना, हमारा किसी से गठबंधन है सर, हिंदुओं को गाली देने वालों के साथ हाथ मिला रहे हैं आप, और हिंदूवादी पार्टी जा रहे हैं बाहर में, हिंदुओं को गाली देने वालों के साथ हाथ मिलाएंगे, और हिंदू वाली पार्टी ने हाथ नहीं मिलाया, ममता बनर्जी बंगाल की शेरनी कैसे पहले हिंदू के, राहुल गांधी विपक्ष के नेता कैसे, सबसे ज्यादा हिंदू के साथ शिवसेना है और हिंदुओं के लिए लड़ी है, आज तक शिवसेना लड़ी है और लड़ती रहेगी। दत्तात्रेय गोते साहब, बहुत आसान होता है हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना, एक फैशन बन गया, ट्रेंड बन गया। पहले तो मैं पूरे देशवासियों से हमारे शिरडी के पावन भूमि में आपका हम स्वागत करते हैं, और हमारे शिरडी से जो संदेश पूरे देश में गया है जी, वो सबका मालिक एक, हम उसको ध्यान में रख के यहाँ पे काम करते हैं। जब भी चुनाव आएंगे तब जाति के ऊपर, धर्मों के ऊपर सब मसले निकलेंगे, और इनमें झगड़ा लगा के ये चुनाव जीता जाएगा, यही हमारे राज साहब ने कहा है। तो ये जात पात का जो झगड़ा लड़ाने की कोशिश आपकी है, बस बस ये सब लड़ाई चालू कर दी है, जो जिनको हम तो मराठी में बात करते हैं, बोली बोली कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है, बोली बोली बोली, हम तो यही बताना चाहते हैं कि ये जो अभी चुनाव आ रहे हैं इनके लिए ये जो जात पात, आप मेरे ख्याल से यही एमएनएस के जो नेता है वो भी वही कह रहे हैं, और जो एनसीपी के संदीप बरपे साहब है वो भी वही कह रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं इसलिए पोलराइज करने की कोशिश है, अब यही मुद्दे उठाएंगे आप लोग, कम्युनल पॉलिटिक्स, पोलराइज, चुनाव आ रहे हैं इसलिए। संबित, देखिए अमन भाई, जहां तक चुनाव का सवाल है, इस देश में आप देखते हैं कि हर दूसरे तीसरे महीने में चुनाव होते रहते हैं और आगे भी चुनाव होते रहेंगे, ये एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, चुनाव होना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, और चुनाव के बहुत सारे मुद्दे भी होंगे, हम आपस में उलझते भी रहेंगे, मगर ये चुनाव का विषय नहीं है, ये देश के स्वाभिमान का विषय है। मैं देख रहा हूं यहां पर जितने भी हमारे बंधु खड़े हैं, मैं सबका सम्मान करता हूं, चाहे वो किसी पार्टी के भी हो, मगर आप देखिए सबने एक दूसरे के माथे पर ठीकरा फोड़ना यहां आरंभ कर दिया है, मगर जो मुद्दा है, जिस प्रकार से लॉयला कॉलेज में, और केवल लॉयला कॉलेज में पहली बार हुआ हो ऐसा नहीं है, जब सबरीमाला में भी वुमेन एंट्री को लेकर पूरा विषय चल रहा था, महिलाओं के एंट्री को लेकर, उस समय भी इस प्रकार के कार्टून बनाए गए थे, जब आप याद करिए जम्मू में कटुआ रेप केस हुआ था, उस समय भी हिंदू धर्म के खिलाफ इस प्रकार के, बिल्कुल मुझे बहुत ही शर्म लगता है कहने में, बहुत गंदे गंदे और भद्दे भद्दे न केवल टिप्पणी की गई थी अपितु वहां पेंटिंग इत्यादि बनाया गया था। तो एक षड्यंत्र बहुत लंबे समय से चल रहा है, हम इकट्ठे नहीं हो पाते हैं, इसलिए सदियों से आक्रांता इस देश में आते हैं, इस देश को लूट के आसानी से चले जाते हैं, लोग बाहर से आते हैं, इस देश को दास्य अंधकार में ढकेल कर, दास्ता में ढकेल कर आराम से चले जाते हैं, क्योंकि हम तो आपस में ही लड़ते रहते हैं, आज भी वही हो रहा है। लॉयला कॉलेज में कोई भारतीय जनता पार्टी ने जाके ये पेंटिंग नहीं लगा दी है,
एक षड्यंत्र के अंतर्गत एक धर्म को, एक सोच को अपमानित करने के लिए बहुत सुनियोजित ढंग से ये सारी पेंटिंग लगाई गई है। मगर हम आपस में देखिए कैसे लड़ रहे हैं। ये तू तू मैं एक ने भी इनमें से ये नहीं कहा कि लैला कॉलेज के विषय पर हमें बात करनी चाहिए कि ऐसा हुआ क्यों। हर कोई, ये बीजेपी ऐसी है, ये शिवसेना ऐसा है, ये MNS ज्यादा वोट ले लेगी, ये कांग्रेस ऐसी है, हम आपस में ही उलझे हुए हैं। ये दुख का विषय है, हम सबको चिंता करना चाहिए। ये आपस का विषय है सेकुलरिज्म, लेकिन सारा धर्म निरपेक्ष जितनी ये सब कुछ सेकुलरिज्म जो है ये हिंदू आस्था से खिलवाड़ से ही पूरा होता है। हिंदू आस्था, हिंदू धर्म और हिंदुओं के प्रतीकों का अपमान का मतलब ही सेकुलरिज्म है। यही असली धर्म निरपेक्षता की परिभाषा है ना सुनी चोपड़ा। मानव आस्था कुछ नहीं है, गाय के नाम पे आदमी को मार डालो वो कुछ नहीं है। आस्था कुछ नहीं है, क्या बोल रहे हैं? आपको सोचना पड़ेगा। नहीं, आस्था कुछ नहीं है, किसी और के लिए आप कह सकते हैं धर्म से ऊपर है। ये क्या है? ये सेकुलरिज्म है। आपको समझना होगा, जहां मानव की इज्जत नहीं होगी और गाय के बहाने उसे मार दिया जाएगा जी। तो हर तरह की चीजें होंगी। लेकिन मैं इतना कहूंगा, मैं इसका उत्तर देना चाहूंगा कि अपनी बात करने की आजादी को रोकने का हक किसी को नहीं है भारतीय संविधान के अनुसार। सर मेरे ख्याल से आप सीपीएम तो आप लोग वही है ना, शार्ली आब्दो के हथियारों को आपने जायज ठहराया था। शार्ली आब्दो जो हमला हुआ था उसको भी आपने जायज ठहराया। हमारा ये कहना है, जो हमला हुआ था फ्रांस के पेरिस में शार्ली आब्दो के ऊपर आब्दो, वो भी आपने सही ठहराया था। उस वक्त अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी, तब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं था, तब वो कार्टून गलत था। कहा था कि हमने साफ कहा था कि किसी की धर्म के ऊपर हमला करना ठीक नहीं है, लेकिन कत्ल करना भी ठीक नहीं है। कानून को रास्ता लेने दो। ये कानून पे भी यही कही ना, वो मुस्लिम धर्म का मामला, दूसरे धर्म का मामला तो गलत हो गया, हिंदू धर्म का मामला तो सही हो गया। यहाँ पर भी यही कही ना सर, जस्टिस को कही, ये भी यहाँ पर निष्पक्ष जांच मत कहिए। उन्होंने हुसैन को नहीं, वहाँ क्यों नहीं जांच कराई? मैं कह रहा हूँ सर, वहाँ क्यों नहीं बोला निष्पक्ष जांच? आज हिंदुस्तान वहाँ पर भी निष्पक्ष जांच बोल देते ना, जैसे यहाँ पर बोल रहे हैं। किसानों की आत्महत्या, दलितों पे अत्याचार, ये सब बातें हैं, अकलियतों पे अत्याचार, साईं बाबा की बात मानो, सबका मालिक है, हिंदू आस्था पर आघात से सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, है ना सर? अपमान किसने किया है? ये तो सारी समस्याओं का निवारण आप कह रहे हो, आप ये बात फैला रहे हो, बेरोजगारी, कालाधन सब बढ़िया हो जाएगा। आप ये बात फैला रहे हो सर, इतना डबल स्टैंडर्ड है आपका सुनील चोपड़ा जी, इतना डबल स्टैंडर्ड है आपका। मतलब जब मुस्लिम धर्म की बात हुई, शार्ली आब्दो का कार्टून हुआ, ऑफिस पर हमला हुआ, तब हमला सही था, अपमान नहीं होना चाहिए। यहाँ हिंदू आस्था पर चोट हो रही है, आप निष्पक्ष जांच का ढोल पीट रहे हैं। कला के रूप में देखा जाना चाहिए, विचारों के रूप में देखा जाना चाहिए। कला कला किसी को गाली देने की, ये कला है, ये कला है सर, यही कला किसी और धर्म पर दिखाई जाए, सड़कों पर बवाल हो जाए सर। हिंदू धर्म टॉलरेंट है, मेरा ये कहना है, कम से कम इतना सम्मान करिए सर, हिंदू धर्म का एथिक्स है, आस्था आपके लिए कुछ नहीं है, अपमान मत कीजिए, हिंदू धर्म का अपमान मत कीजिए कम से कम। आप फादर दिनेश दास, उसके बाद मैं यहाँ पर जाऊंगा। फादर दिनेश दास, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं होने चाहिए फादर दिनेश दास। नहीं देखिए अमन जी, इसमें डबल स्टैंडर्ड आप किस तरह से देख रहे हैं, ये आपका नजरिया है। अभी आपके स्क्रीन पर एक क्लिपिंग चल रही है कि हरेक के अपने अपने विचार है और वो अपने विचारों के लिए खुद जिम्मेदार है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जो भी वहां लोयला कॉलेज में जो पेंटिंग लगी, मसीह धर्म का उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। मसीह धर्म कभी भी किसी भी धर्म को नीचा कर करके खुद को ऊपर नहीं उठाना चाहता।
मसीह ने तो खुद को अपने आप को नीचा किया, लोगों को ऊपर उठाया, और हम आज भी उसी पर कायम हैं और हम आज आगे भी उसी पर कायम रहेंगे। हम किसी भी धर्म को, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, या कोई भी हो, हम भारत के नागरिक हैं, हमारा भारतीयता पर पूरा विश्वास है, और हम सब पर अब हर एक धर्म को अपने साथ जोड़ के चलते हैं, अपना भाई मान के चलते हैं, हम अलग अपने आप को रख करके नहीं चलते। इसलिए मैं इस बात को कहना चाहता हूं, मैं इस बात को यही असली सेकुलरिज्म है दिनेश दास जी, यही सांप्रदायिकता है। चले शिरडी के कुछ लोग हैं, वो बहुत देर से डिबेट को सुन रहे हैं, और यही वोटर्स हैं शिरडी के, क्योंकि क्योंकि अहमदनगर जिले में शिरडी की दो शिरडी एक सीट है, दो सीटें, एक बीजेपी के पास है, शिवसेना के पास। क्या ये धर्म पर आस्था पर चोट से मिलेगा 2019 में वोट? ऐसा है, मैं संदीप पात्रा जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अच्छा, संबित पात्रा से। हाँ, शिरडी पूछे पूछे। हम शिरडी में रहते हैं, साईं बाबा के इधर सब लोग इधर रहते हैं, इधर हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन दलित ऐसा कुछ नहीं है, जात पात को सब मानते हैं, लेकिन सब एक साथ ही रहते हैं। ये देश में हिंदू का किसानों का प्रश्न खत्म हो गया, सब प्रश्न खत्म हो गए, और खाली धार्मिक प्रश्न बाकी रह गए। तो फिर मजाक उड़ाया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हम मजाक भी नहीं सुनाएंगे, हम मजाक नहीं सुनाएंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब मजाक उड़ाया जाए, खिल्ली उड़ाया जाए, कोई दिक्कत नहीं। मुझे मुझे संदीप पात्रा जी को ये कहने का है, ये देश का सब प्रश्न छूट गए, खाली धार्मिक प्रश्न बाकी है। मजाक उड़ाया जाए, ठीक है जी जी। एक मिनट, देखिए एक एक करके बोलेंगे, सबकी आवाज जाएगी, एक एक जल्दी जल्दी। लोयला कॉलेज में जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, किसी ने भी किसी के धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए। हर एक लोग जो है, हर धर्म का जो हम सिखाते हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। इसीलिए जो घटना हुई है उसका निषेध होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। बस लेकिन मत लगाइएगा आगे जी, लेकिन मत लगाइएगा आगे। नहीं, लेकिन ऐसा है, लेकिन का मतलब ऐसा है, यहाँ पर ये साईं बाबा की भूमि है, यहाँ पर हर जात के, हर धर्म के जो लोग हैं, और हर धर्म के लोगों को बुरा लगेगा अगर किसी भी आस्था, किसी भी धर्म की आस्था पर चोट पहुंचाई जाएगी। मेरा वर्पेस आपको एक पूछना है कि ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, जब अफजल खान हमारे हिंदू देवताओं के मूर्तियां तोड़ते आ रहा था तो उसका कोथला भी शिवाजी महाराज ने बाहर निकाला था। हमें आना चाहिए, पानी चाहिए, बराबर है, लेकिन उसी साथ में हमारा धर्म भी हमें चाहिए। बिल्कुल, चलिए ठीक है। सुनो साहब जी जी जी, मुझे सवाल पूछा है उन्होंने जी जी, एक मिनट मैं पहले जवाब तो दे दीजिए। एक चलिए बोलिए अवर पे साहब, जवाब दीजिए। ठीक, मैंने मेरे स्टेटमेंट के शुरुआत में कहा कि मैं उस घटना की कड़ी निंदा करता हूँ, ये भी बताया कि मैं कट्टर हिंदू हूँ, मेरे हाथ में रुद्राक्ष है, मैं रोज पूजा करता हूँ। मैंने तो वो निंदा किए, लेकिन मेरा इनके जरिए सबसे सवाल है, ये हनुमान जी की जाति किसने बताई? जो भगवान है हमारे, प्रभु राम जी हमारे दिल में, हनुमान जी हमारे दिल में, हनुमान जी की जाति किसने निकाली और क्यों निकाली? वर्पे साहब का सवाल आपके लिए, हनुमान जी की जाति क्यों बताई थी भाई चुनावों के दौरान योगी आदित्यनाथ ने? संबित जवाब दीजिए, वो भी तो अपमान था। देखिए अमन भाई, मैं तो ये आपको शुरू से बोल रहा हूँ, हम दोनों के बहुत राजनीतिक वैमनस्यता हो सकती है, मैं वर्बे साहब से बहुत कुछ पूछ सकता हूँ, वो मेरे से बहुत कुछ पूछ सकते हैं, किसानों के बारे में भी चर्चा आए दिन होते रहती है, मगर एक विडंबना देखिए और जरा कंपैरिजन करिए। यही अगर किसी और धर्म के साथ हो रहा होता और यहां पर मंच सजा होता, अलग अलग लोग दूसरे दूसरे पार्टी के खड़े हुए होते, तो ना कोई किसानों के बारे में बात करता, ना तो ये सवाल हनुमान जी का पूछता, हर कोई इकट्ठे हो जाते, कहते कि देश कितना असहिष्णु हो गया है, दूसरे धर्मों पर अटैक होने लगा है। मगर चूंकि हिंदुइज्म को हम सब ने, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा हूं, सदियों से हम सब ने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था, और देखिए ये भूमि शिरडी साईं बाबा का भी है तो ये भूमि वीर शिवाजी का भी है, मराठा राजा शिवाजी। देखिए ये शिवाजी, आप याद करिए, शिवाजी वह व्यक्ति है जिसने हमारे स्वाभिमान को जीवित रखा था, जिस प्रकार से खड़ग तुलजा भवानी के आशीर्वाद से शिवाजी महाराज ने भारतवर्ष को जो स्वाभिमान सिखाया था, मैं आज वहां पूछना चाहता हूं वो स्वाभिमान कहां गया है? शिवाजी ने जो स्वाभिमान, जो अलख जगाया था, उस स्वाभिमान को हमने कहां खोया है? मैं ये जल्दी सवाल ले लेते हैं, छोटा छोटा जवाब रखेंगे समित, ठीक है जल्दी से। देखिए मेरा सवाल जो है वो सुनीत चोपड़ा जी से है। सुनीत जी, आप कहते हैं कि ये कला है, ठीक है ना, आप इसको कला कहते हैं, और आप कहते हैं जहां पे मानवता का सम्मान नहीं होता। सुनीत जी, मेरे धर्म ने, हिंदू धर्म ने मानवता सिखाई है, वी एक्सेप्ट ऑल रिलीजन्स एज ट्रू, ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था
शिकागो में हम हर एक इसमें हम पेड़ों की पूजा करते हैं, अरे हम तो पेड़ की पूजा करते हैं, तो आप क्या कहते हैं हमें मानवता का सम्मान नहीं होगा? और आप कहते हैं मेरे धर्म का जो ड्रॉइंग से अपमान हुआ उसे आप कला कहते हैं, और आपको राम मंदिर और उसका इंपॉर्टेंट नहीं लगता पर आपको ये कला लगती है? फिर तो आपको कन्हैया कुमार ने जो कहा था वो तो आपको राइमिंग कविता लगती होगी, वो भी आपके लिए कला होगी? देश विरोधी नारे वो टुकड़े टुकड़े नारे भी कला होगी ना? के बिना अपमान नहीं होता है, टुकड़े टुकड़े वाले नारे भी कला है। बिना आप सिर्फ सब्जेक्ट बदल रहे हैं इलेक्शन को खराब करने के लिए। सर ये आप सबूत ढूंढते रहिए, यहाँ आस्था का अपमान होता रहेगा, सब जनता देखती है। के लिए कमीशन चाहिए। जो हिंदू धर्म का जो अपमान किया ये अगर दूसरे धर्म से होता तो उन्होंने अभी तक ये बता दिया होता कि ये देश खतरे में, दूसरे धर्मों के लिए खतरे में देश है। हिंदू के ऊपर हुआ है तो कुछ नहीं बोलेंगे इन लोग, कांग्रेस वाले लोग। वोट बैंक खतरे में पड़ता है जी। सर जी जो हुआ है इसका मैं निंदा करता हूँ, ये बात सही है, लेकिन ये बात है कि अभी ढाई महीने पे इलेक्शन आया हुआ है और जो आज हो रहा है ये, मैं तो ये कहता हूँ कि हिंदू का ही ये चेहरा लेके मोदी जी पंतप्रधान बने थे, तो आज उस पर कार्रवाई करने के बजाय मोदी जी, मेरा तो ये सामान्य मतदाता के हिसाब से ये कहना है कि मोदी जी के इससे ये चलाया जा रहा है कि जो पोलराइजेशन खड़ा हो और जो मेन मुद्दे हैं, जो खेतीबाड़ी का मुद्दा है, जो पानी का मुद्दा है, जो बेरोजगारों का मुद्दा है, उसको अलग ढक दिया जाए और इलेक्शन पोलराइजेशन। अच्छा ये आपके हिसाब से मतलब पोलराइज करने की कोशिश है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश है, क्या ऐसा है क्या भैया? इधर महाराष्ट्र का सरकार है, इधर गाय को मत मारो और बार बार नचाओ, क्या चालू है महाराष्ट्र में? शेतकरी इधर मर रहे, एक शिरडी के नजदीक के गांव में 29 शेतकरी आज आत्महत्या किया है, वो बार बार नचा है इधर महाराष्ट्र में। चलिए ठीक है ये जो निर्णय है वो सर्वोच्च न्यायालय ने दिया रहे, इसके लिए महाराष्ट्र सरकार अभी कोर्ट में जाने वाली है। लेकिन मैं इतना बोलता हूँ, जो अभी सीपीएम के नेता इधर आए थे उन्होंने बोला कि ये कला है, मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि 26 जनवरी को मोहन जी भागवत और तिरंगा झंडा फहराने आए थे, तो तिरंगा झंडा फहराने के लिए भी ये लोगों ने विरोध किया है, इनको संविधान का भी इनका विरोध है, ये मास के लोग है, इनको लगता है कि कम्युनिस्ट लोग है, इनको लगता है कि बंदूक की नोक के ऊपर ही सत्ता आ सकती है। ठीक है, ठीक ठीक जल्दी छोटी छोटी बात रखेंगे, सबको मौका मिलेगा, जल्दी जल्दी। भारत भूमि जो है, ये जो हिंदू धर्म है ये सबसे बड़ा है, जहाँ जब जब ये हिंदू धर्म पर ज्ञानी आती है तो भगवान भी नीचे आ जाते हैं। और कोई अगर सोचता है राजनीति में अपने धर्म को लाता है, राजनीति में लाना ये तो सबसे बुरी बात है, हम ये शिरडी वासी हैं सब लोग उसका निषेध करते हैं कि जो हुआ है बुरा हुआ है। ठीक है सुनील चोपड़ा जी, अब मैं आप ही के पास आ रहा हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल आप ही से पूछे गए हैं, मैं आपको टाइमर चला कर सर टाइम दे रहा हूँ ताकि आप खुलकर अपनी बात रखिए और एक्सपोज होइए। अगर ये कला है, अगर ये हिंदू धर्म का अपमान करने के लिए जो पेंटिंग्स हैं, जो आस्था के साथ खिलवाड़, ये कला है, तो लड़के ने सवाल पूछा जो टुकड़े टुकड़े गैंग की नारेबाजी थी वो भी कला थी? टुकड़े टुकड़े गैंग की नारेबाजी झूठ निकली, आपको भी मालूम है मुझे भी मालूम है, कृपा करके झूठों को मत उछालिए, आपने कन्हैया का पूरा पढ़ा है, बिल्कुल झूठ निकली। और लोगों ने बताया कि ये एबीवीपी के छात्र थे जिन्होंने ये किया, झूठ निकली। कौन सा वीडियो झूठ निकला? ने बयान दिया, एफएसएल की रिपोर्ट सही निकली, वीडियो सही निकला, चार्जशीट दायर हो गई, सेडिशन का आरोप क्या है, आरोप लगाया गया है, साजिश थी। दो नेता उन्होंने कहा है, चलिए ठीक है, प्रूफ है, क्यों आप बेकार की बातें कर रहे हैं? सर मोदी विरोध के नाम पर देश विरोध, हिंदू विरोध थोड़ी, मेरा ये कहना है, संबित थोड़ी सेकंड आपको भी दे रहा हूं, आपको भी सबको टाइम दूंगा। चुनाव अपनी जगह है, धर्म अपनी जगह है, धर्म को शांत हो जाए इस्तेमाल करने के लिए आप धर्म की पूरी तरह से बेइज्जती कर रहे हैं। चलिए आप शांत हो जाइए जरा, देखिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, मैं यहाँ उदाहरण देता हूँ कि जिस प्रकार से मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ और इसी उदाहरण पे सवाल पूछना चाहूंगा। अभी आपने देखा कि एक फादर है लुधियाना के, उस फादर के ऊपर किस प्रकार के बलात्कार का केस चल रहा है। बिल्कुल सही कहा हमारे यहाँ जो फादर बैठे हुए हैं कि क्रिश्चियनिटी बहुत शांति का धर्म है, मैं तो धर्म का रिस्पेक्ट करता हूँ, मगर यहाँ इंडिविजुअल के ऊपर डिस्कशन हो रहा है। फादर के ऊपर रेप का केस चल रहा है और जिन ननों ने उनके ऊपर चार्ज लगाया था उन नन्स को बर्खास्त करने की बात हो रही है। रोज आप लोग भी डिबेट करते हैं कि चार नन को बर्खास्त करने की बात हो रही है।
अगर क्रिश्चियनिटी के इसी प्रकार से किसी भी प्रतीकों के साथ कोई पेंटिंग किया जाता तो क्या हम में से किसी को स्वीकार होता? न मुझे स्वीकार होता, न फादर को स्वीकार होता, और यहां जो बैठे हुए सुनीत चोपड़ा छत के ऊपर से चिल्ला रहे होते, देश लूट गया, देश बर्बाद हो गया, देश सबसे बड़ा असहिष्णु हो गया, और तो और इनके कुछ मित्र जो है अमेरिका चले जाते, अमेरिका में जाके पार्लियामेंट्री कमेटी के आगे डिपोज भी कर देते कि इंडिया रह रहा है। रुकिए रुकिए, अरे आप क्यों चिल्ला रहे हैं? रुकिए रुकिए, धर्म और राजनीति को आप ही अलग नहीं रखते हैं। आप ही जाके अमेरिका में कंप्लेंट करते हैं कि भारत रहने लायक जगह नहीं, और ऊपर से फिर कुछ फिल्म एक्टर आप देखते हैं। आप कुछ दिनों पहले किसी ने कहा था कि देश में बहुत डर लगने लगा है, फिर इनको डर लगने लगता है। देखिए, जो आपके लिए बुरा है वो दूसरों के लिए भी बुरा है। दो मापदंड कभी नहीं होना चाहिए। मगर अमन भाई, मैं कह दें, मैक्यूले की जमाने से, जिस प्रकार से अंग्रेजों के जमाने से एक षड्यंत्र ऑर्गेनाइज तरीके से चल रहा है कि भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति के ऊपर अटैक करो, ताकि जो लोग हैं वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हो और देश को बैल्कनाइज किया जा सके, यही चाहिए। तो मैं बोल पाऊंगा दिनेश दास, अभी आपने इस संबित भाई का हमेशा से एक मैनिफेस्टो रहा है। आप 30 सेकंड, मैं इस बात को देखता हूं कि संबित भाई का मैनिफेस्टो रहा है कि वो कोई भी बात हो घुमा फिरा करके वो क्रिश्चियनिटी पर ले आते हैं, वो कहीं चूकते नहीं है कभी भी। मगर मैं ये कहना चाहता हूं बड़े आदर के साथ संबित भाई को, ये कहना चाहता हूं संबित भाई कि भारतीय, हम सब भारतीय हैं, हम चाहे किसी भी धर्म के हैं, और हमें एक दूसरे के धर्म की इज्जत करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और भारत की संप्रभुता का ध्यान रखना चाहिए। अभी तो मैं कहता हूं हमें वो ध्यान रखना चाहिए, वो हम किसी भी तरह से किसी भी धर्म को ना किसी चित्रकारी से ना किसी बात से सम्मान हो रहा है छोटा करें, बल्कि हिंदू देवी देवताओं के आगे हैशटैग मी टू लगाना जरूरत नहीं है, त्रिशूल का अपमान, क्योंकि हम भारतीय कहीं और से नहीं आए हैं। ये सम्मान है क्या? संबित पात्रा जी कहीं और से नहीं आए, हम सब भारतीय हैं। आप भी भारतीय हैं। सम्मान है क्या सर? ये मिशनरी कॉलेज है, बाहर से नहीं, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, आप लोग जिम्मेदारी लीजिए। कॉलेज ने उसके लिए क्षमा प्रार्थना की है। क्या हो रहा है आपके कॉलेजेस में? और अगर फिर भी ये ट्रेंड बन गया है, जेएनयू, एएमयू, लॉयला कॉलेज, उसकी जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए सर, ठीक है। आपको अभी भी तस्वीरें दिख रही है, पोस्टर दिख रहे हैं, अभी भी आपको जांच चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ, ठीक है, मैं पर यहाँ पर आ रहा हूँ, बताऊंगा, मुझे वाइंड अप करना होगा, लेकिन सबसे पहले एनसीपी से जो मेरे साथ है जी, संदीप भरपे साहब, संदीप भरपे, हाँ ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूँ संदीप भरपे साहब, महागठबंधन इस मामले में भी हो गया क्या, या महागठबंधन को चुप रहना है बिल्कुल? सवाल आपने पूछा है, महागठबंधन इस मामले में भी हो गए। सबसे पहली बात है कि हमने तो निंदा कर दी, इस देश में सरकार नरेंद्र मोदी साहब की है, सरकार को अपना काम करना चाहिए। आप क्या चाहते हैं? किसी गलत आदमी ने गलत काम किया इसलिए सीढ़ी में झगड़े हो? सरकार एक्शन क्यों नहीं लेती? दिल्ली सरकार के नाक के नीचे संविधान जलाया कुछ लोगों ने, उनको तो सरकार ने पकड़ा नहीं। अभी वैसे ये जो लोग है जिन्होंने गलत पेंटिंग बनाया है, जिसका मैं निषेध करता हूँ, धिक्कार करता हूँ, उन पे एक्शन कौन लेगा? उन पे क्या महागठबंधन एक्शन लेगा? अच्छा, तो जिनको जिनको बढ़ावा जिनको, जिनको सरकार को सरकार नहीं, मैं सवाल पूछता हूँ आपसे, जब राहुल गांधी बढ़ावा देने चले जाएं तो किस बात? जब नारे लगे थे देश विरोधी नारे, इंस्टीट्यूशंस का ही तो खेल है सर। अरे उसमें तो ये एक, ये उसमें आपको चार्जशीट सरकार को आप समझिए, ये एक इकलौता मामला नहीं है वर्पेस, आप सुनिए, ये सिनिस्टर डिजाइन कहते हैं इसको, कॉन्स्पिरेसी है। एक एक करके तमाम ऐसे कॉलेजेस में देश विरोधी दुष्प्रचार किया जा रहा है, जेएनयू में होता है, एएमयू में होता है, या लॉयला कॉलेज में हो रहा है। तो सरकार क्या कर रही है? सरकार नारे, आप जैसे आपके नेता बचाने तो चले जाते हैं, ये तो सरकार का काम है, नेता बचाने, सरकार काम करे, बचाने चले जाते हैं नेता। अपोजिशन इसमें क्या कर सकती है? बढ़ावा दे सकती है। क्या बढ़ावा दिया? बढ़ावा दे सकती है, बिल्कुल नहीं। आप गलत फहमी मत फैलाओ आपके चैनल के द्वारा, मैं आपको विनती करता हूँ, हम लोग अभी आपस में चर्चा कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे मसले हैं जो लोकल है जी, हमारे पानी की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, एमएसपी की समस्या, उस पर तो आप बात ही नहीं कर रहे। सचिन तांबे साहब, सचिन तांबे साहब, ऐसा है कि जब 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 ध्रुवीकरण की बात आती है और देश विरोधी अगर कुछ भी काम होता है तो सबसे पहले वहां पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो जाती है और उसके खिलाफ यहां पर एक्शन लेती है, लेकिन जब जब देश विरोधी कुछ भी काम होता है तो उनके साथ में ये कांग्रेस वाले, एनसीपी वाले खड़े हो जाते हैं, इसका ये सबसे बड़ा उदाहरण है। मुझे उनसे विनती है, देश विरोधी अगर कुछ भी काम होती है तो हमें सब लोगों ने एक साथ होकर उसके खिलाफ रहना चाहिए। अगर हिंदुओं के साथ भी कुछ गलत होता है तो उसके
साथ भी आपने रहना चाहिए, ना कि सिर्फ जेएनयू में कुछ होता है या ना कि कोई देश विरोधी काम करता है। आपने अर्बन नक्सल की बात की, अभी एक कुलकर्णी नाम के बीजेपी का जो उपाध्यक्ष है डोंबिवली का, इसके घर में शस्त्रों का जखीरा निकला, उसमें कोई नक्सल नहीं, तो बचाने के उसको तो बचाने का कोई क्या एक्शन किया, उसको बचाने का क्या एक्शन किया आपने, बचाने का कोई उस पे आपने क्या एक्शन किया सर, बचाने का उसको कोई, आप तो अर्बन नक्सलियों को देशभक्त बता देते हैं सर, जो लोग सर आप लोग अरुण फरेरा, वर्नॉन गोंजाल्वे, सुधा भारद्वाज, इन सबको देशभक्त बता देते हैं आप लोग, मुझे आपसे ये सारे अर्बन नक्सलियों जिनको गिरफ्तार किया गया, एक एजेंडा लेके सर मोदी विरोध के नाम पर सर देश विरोध मत करिए, आपका ताल ठोक के प्रोग्राम में एजेंडा लेके निकला है राव साहब, आपको एजेंडा लेके निकला है जी, मुझे पता है सर देश का एजेंडा है, सर देश का एजेंडा है रहेगा, देश का एजेंडा है रहेगा रहेगा सर, देश का एजेंडा है राव साहब, 30 सेकंड हाँ सर, इसका एजेंडा विकास के साथ चलेगा, 30 सेकंड मुझे वाइट अप करना है, 30 सेकंड सर प्लीज जल्दी से, देखिए जो कुछ वहाँ पर दिखा रहे हैं हो रहा है वो गलत है और ऐसी बात की हम सहायता नहीं कर सकते, यहाँ अगर कोई फादर भी है तो उसके लिए भी हम लोग जाते हैं, हमारा पक्ष जाता है बिल्कुल, ऐसी बात का हम लोग पूरी तरह से इसका मतलब निग्लेक्ट करके करते हैं इसको, यहाँ पर जो है यहाँ सब जाति धर्म के लोग हैं बिल्कुल, हम लोग सब साथ में रहते हैं, यहाँ किसी से किसी का कोई झगड़ा नहीं है जी, हम लोग आपस में एक दूसरे से, और यही जवाब मेरे ख्याल से देना होगा 2019 में, यही जवाब वोटर देगा 2019 में, अगर ये साजिश है उसका भी जवाब मिलेगा और अगर जिसने साजिश की उसका भी जवाब मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का, सम्मित आपका, वहां से दिनेश दास आपका और साथ ही सुनी चोपड़ा जी आपका और खासकर आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम ताल ठोक के में आज जुड़ने के लिए।